पता मेरा दिल है मैं है फूस मैं है सूस कर मैं तो यूज कर कह दे कुछ तो यू ना करती तू तुझे देख भी तुझको नहीं परवाह पीछे तेरे So, hi, what's up guys? Welcome back to my new video. So, guys, जैसा भी आप सभी ने अपने स्क्रीन पे वीडियो को देखा, ये वीडियो कितनी ज्यादा औसम एडिट हुई है और इस टाइप की वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ, आपका भाई ऐसा क्यों बोल रहा है आपको सब पता चल जाएगा वीडियो में, क्योंकि आपका भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो को बनाना सिखाने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। बट गाइस, उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को इंडिया कंट्री से देख रहे हैं तो आपको एक वीपीएन ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक वीपीएन ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप यहां देख सकते हैं, मैंने यहां पे वीडियो को जैसे शूट किया है, अब यहां पे वापस से देख ले, जहां मैं अपने टी शर्ट को पकड़े कुछ इस तरह से एक्ट करता हूं जैसे मैंने अपने जैकेट को चैन को खोला है। ठीक है, आपको नॉर्मली इतना कर लेना है एंड इतना करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से एक्ट करना है, अपने सॉन्ग को मतलब परफेक्टली यहाँ पे लिप सिंक करना है और अपने हैंड को कुछ इस तरह से मूव करना है। एंड सेकंड वीडियो आपको कुछ इस तरह से कपड़े को चेंज करके यहाँ पर जैकेट के चैन को खोल के यहाँ पे शूट कर लेना है। अब गाइस आपको इस दोनों वीडियो को ऐड करना है सिंपली, तो चलिए यहाँ से वीडियो को ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऊपर साउंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको एक बार टैप करके ऑफ कर देना है। आपको वीडियो को लास्ट में आना, आपको बैकग्राउंड दिखेगा कैपकट एप्लीकेशन का, आपको सिंपली इसको डिलीट कर देना है वरना ये आपकी वीडियो में चिपकी रह जाएगी। एंड गाइस क्या करते हैं, आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गाइस आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका फुल सॉन्ग है। सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको अपने सॉन्ग को और अपनी लिपसिंग को परफेक्टली तरीके से यहाँ पे पहले मैच कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो अच्छी एडिट होगी ही नहीं और आप एडिट करते करते पागल हो जाएंगे और वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। ओके गाइस, इसको ऐड करने के बाद मैं फटाफट पहले इसको अपनी लिपसिंग को परफेक्टली यहाँ पे मैच कर लेता हूँ। इतना मैच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सॉन्ग यहाँ पे परफेक्ट अभी मैच हो गया है। अब गाइस आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने अपने टी शर्ट को यहाँ पे पकड़ के कुछ इस तरह से एक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में आके अपने पहले वीडियो को पहले लेंथ जितनी है, जितनी आपको वीडियो चाहिए उतनी वीडियो को आप रख लीजिएगा, बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ पे स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। तो चलिए यहाँ से स्प्लिट करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देते हैं। एंड गाइस आपको यहाँ पे सबसे ध्यान से देखना पड़ेगा वरना आपकी वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनेगी, फिर आपके बोलोगे भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो ऐसा काम मत करिएगा मेरे भाई। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा फर्स्ट मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, जैसे मैं अपने हैंड को सामने लेकर आता हूँ यहाँ पर एक स्प्लिट किया एंड सिंपली गाइस यहाँ पे मैं अपने हैंड को कुछ इस तरह से एक्ट किया है, तो आप भी सेम ऐसा ही एक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर एक स्प्लिट कर दीजिएगा। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरा दो स्प्लिट हो गया एंड थर्ड गाइस यहाँ पे मैंने अपने टी शर्ट को पकड़ के यहाँ पर एक्ट किया, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक स्प्लिट कर लेना है, तो चलिए यहाँ पे अच्छे से रोकते हैं और यहाँ पर एक स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ स्प्लिट करने के बाद गाइस आपको आना है वीडियो के लास्ट में, जहां पर आपने इस वीडियो को शूट किया था, तो आपको यहाँ पे सिंपली इस वीडियो को ऐड करना है। जब आपका हैंड नीचे आने वाला रहता है तो यहाँ पर आप स्प्लिट करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करके आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और बिल्कुल आगे लेकर आ जाना है अपने इस वीडियो के बाजू में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड हो चुका है एंड सिंपली इस एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद गाइस आपको अपने वीडियो के लिप सिंक को यहाँ पे वापस से सॉन्ग पे मैच कर लेना है अच्छे से। मैच कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जहां आप देख सकते हैं इतना एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ हमारा सॉन्ग का लिप सिंक परफेक्ट मैच हो गया है। अब जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि जो आपका एक छोटा वाला पार्ट है सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे स्लाइड करके जाएंगे, एक आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे एक फोटो फ्रेम रेडी हो जाएगा जैसे
आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने वीडियो को वहां से स्प्लिट करना है जहाँ पे आपका सॉन्ग का लिपसिंग जो है मतलब सॉन्ग की लिरिक्स चेंज होती है। तो यहाँ पर आते देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक्ट किया जैसे जादूगर बोलता है, तो उसी जगह पे मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा। और ये जो हमारी बीच की पार्ट है सिंपली इस पे क्लिक करके आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है। ओवरले पे जैसे गाइस आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इस नीचे वीडियो को टैप करके आपको यहाँ पे आगे स्टार्टिंग से यहाँ पे रख देना है जहाँ से आपका फोटो ऐड है। अब आपको अपने फोटो के लेंथ को इंक्रीज कर लेना है जितनी आपकी नीचे वाली वीडियो है। सिंपली इतना करने के बाद गाइस आपको अपने नीचे वाली वीडियो पर टैप करना है। नीचे वाली वीडियो पर टैप करके आपको जाना है ओपेसिटी में। ओपेसिटी में आने के बाद गाइस आपको इसकी ओपेसिटी को माइनस कर देना है। यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ 50, आप जो 14 कर लीजिएगा जितना आपको अच्छा लगे, जितना परफेक्टली लगना चाहिए शैडो उतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक शैडो गोस्ट वाला इफेक्ट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है। यहाँ पे इतना होने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरा सॉन्ग का लाइन यहाँ पे चेंज हुआ हमारा हैंड आता, तो इसी जगह हम क्या करते हैं अपनी वीडियो पे टैप करके जाएंगे एनिमेशन में, आउट वाले पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ से गाइस आपको जूम आउट वाला इफेक्ट दे देना है, या तो आप फैड वाला भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जूम आउट वाला इफेक्ट दे रहा हूँ। एंड सिंपली आप जूम आउट वाला इफेक्ट दे के नीचे से टिक कर दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लग गया है। अब जहाँ गाइस मैं अपने हैंड को सामने लेकर आता हूँ आप देख सकते हैं जैसे मेरे यहाँ पे सॉन्ग का लाइन स्टार्ट होता है यहाँ पर हाथ हमारा सामने आया, उसी जगह आपको वीडियो को रोकना है एंड सिंपली एड ओवरले पे क्लिक कर देना है। एड ओवरले पे क्लिक करके आपको वीडियो में से एक वीडियो को ऐड करना है। ये ब्लैक कलर का स्क्रीन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहां से कट करके पहले डिलीट कर देता हूं। एंड यहां पे डिलीट करने के बाद अपनी वीडियो को आगे लेकर आएंगे जहां से हमारी वीडियो की जो लाइन स्टार्ट होती है। सिंपली आपको इसके साउंड को ऑफ करना है। इतना करने के बाद गाइस आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे और यहां से फिल्टर वाला सेलेक्ट कर लेना है। फिल्टर वाला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने वीडियो को बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट लेके आइएगा। एंड इस इफेक्ट को आपको अपने हैंड पे एकदम अच्छे से पहले सेट करना है। हैंड पे सेट करने के बाद गाइस आपको इसमें की फ्रेम भी लगाना होगा, तो की फ्रेम लगाने के लिए गाइस आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमारा हैंड यहाँ पर आया एंड सिंपली आपको अपने इसी वीडियो पे जो आपकी नीचे इफेक्ट वाली वीडियो है तो इसको आपको पहले क्रॉप कर लेना है जितनी आपकी ऊपर वाली वीडियो है। तो इतना मैं क्रॉप कर लेता हूँ, बाकी यहाँ पे आपको एनिमेशन में जाके यहाँ से फैड वाला एनिमेशन दे देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, तो क्या करते हैं की प्लस पे आपको क्लिक करना है, वीडियो को थोड़ा प्ले करेंगे और प्लस पे क्लिक करते जाएंगे। वीडियो थोड़ा प्ले करेंगे प्लस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही गाइस आपका हाथ आगे जा रहा है तो आपको अपने इफेक्ट वाले वीडियो को जूम करना है। तो चलिए यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको रोटेट करके अपने हाथ के हिसाब से जहां जहां आपका हैंड जा रहा है सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करके वैसे ही आपको यहां पे इफेक्ट को भी जूम माइनस प्लस ऐसे कर लेना है जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं सिंपली आपको ऐसे कर लेना है। अभी हम यहां पे वापस से ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे। यहां से गाइस आपको एक दूसरा इफेक्ट ऐड करना है, तो यहां से मैं ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेता हूं। जहां से मुझे जो इफेक्ट चाहिए वहां से मैं लेता हूं, बाकी पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूंगा। तो आपको भी यहां से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड गाइस यहां पे एडजस्ट करने के बाद यहां पे जितना मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो चलिए पहले मैं इसको फिल्टर में से जाके इसको ब्लेंड कर देता हूं। एंड सेम चीज आपको इसमें भी करना है, तो इसको थोड़ा जूम करेंगे अपने हैंड पे इसको अप्लाई कर देंगे एंड जितना आपका लास्ट वीडियो है सिंपली उतना रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद गाइस आपको सेम चीज इसमें भी करना है, आपको जाना है की फ्रेम वाले प्लस पे क्लिक करना है और जैसे जैसे ही आपका हैंड मूव होता है वो हिसाब से आपको इस पे प्लस पे क्लिक करके इसको इफेक्ट को भी ऊपर एंड नीचे ऐसे करते रहना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं प्लस करके यहाँ पे छोटा कर दिया एंड सिंपली गाइस जैसे मैं अपने हैंड को सामने यहाँ पर ओपन करूंगा तो इस वाले की फ्रेम पे क्लिक करके अपने इफेक्ट को भी हम ओपन कर देंगे। तो आपको अपने हैंड के हिसाब से इसको चलाते रहना है और प्लस पे क्लिक करते रहना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने हैंड को सामने लेकर आया तो लास्ट में प्लस पे क्लिक किया और इस इफेक्ट को यहाँ पे जूम कर देंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कितना औसम तरीके से हमारा इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। अब क्या करते हैं गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं अपने हैंड को सामने लाया यहाँ पर गाइस चलते अपने स्लो मोशन हम कर लेते हैं। वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्पीड माने के बाद आपको यहाँ से लास्ट में माइनस कर देना है एंड सिंपली नीचे से टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वीडियो के बीच में क्लिक करना है। यहाँ से आप फेड वाले इफेक्ट लगा दीजिएगा, लाइट वाले इफेक्ट लगा दीजिएगा, जो आपको लगाना है वो यहाँ पे लगा लीजिएगा।
सिंपली आपको सेकंड वाली वीडियो पे टैप करके जाना है स्पीड में। स्पीड में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे से भी मतलब कि लास्ट में जैसे आप यहाँ पे एक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप स्लो मोशन कर लीजिएगा, एरो नीचे लेकर आएंगे तो आपका वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मेरा स्लो हो चुका है। एंड वीडियो के बीच में टैप करेंगे, यहाँ से एक इफेक्ट दे देंगे फेड वाला। फिर आपको थर्ड वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पर गाइस आपको वापस चलना है स्पीड में। स्पीड में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेना है जिससे आपका सॉन्ग जो है वो यहाँ पर मतलब कि आगे पीछे ना हो, परफेक्टली मैच हो जाए। तो यहाँ मैं स्लो करता हूँ एंड फास्ट स्लो कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा स्लो मोशन। इतना करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके फिल्टर में जाना है। यहाँ से आप इस वाले वीडियो का फिल्टर चेंज कर लीजिएगा, जो आपने कपड़े चेंज किए हैं वो वाले फिल्टर को आप चेंज कर लीजिएगा। बाकी आपको सेम चीज हर वीडियो में अप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं हमारा वीडियो इतना बनकर रेडी है। बट अभी इसमें दो तीन इफेक्ट और लगाना है, वो क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हमारी वीडियो यहाँ तक की है तो इतनी हम पहले लेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं, परफेक्टली देख लेते हैं। एंड आते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। वीडियो के स्टार्टिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने हैंड को सामने लेकर आया तो इसी जगह आपको रोक के जाना है एड ओवरले पे। एड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फोटोज पर। फोटोज पर क्लिक करने के बाद आपको एक हार्ट पीएनजी ऐड कर लेना है। इस हार्ट पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने एनिमेशन में जाते हैं, फेड वाला एनिमेशन दे देते हैं। एंड सिंपली गाइस यहाँ पे फेड वाला एनिमेशन देने के बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियो को परफेक्टली यहाँ पे ऐड करना है इस इफेक्ट को। जैसे देख रहे मेरा हाथ सामने आया तो मैं उसी जगह से इस पीएनजी को रख लेता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा पीछे से क्रॉप कर देते हैं जैसे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, आप भी इसको ऐड कर लीजिएगा। बाकी जितना भी मैं सॉन्ग इफेक्ट यहाँ पे यूज किया हूँ वो सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस अभी क्या करते हैं, यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने इस वीडियो को जूम किया एंड हमारा थर्ड वीडियो जो हमारे फोर्थ वाली वीडियो है, वीडियो पे टैप करिएगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से जूम आउट वाला जो हमारा इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सिंपली आपको इतना कर लेना है। एंड गाइस आपको अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पता है डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो आप मेरे टाइटल पे टैप करेंगे वीडियो के टाइटल पे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको एक्सपोर्ट करते हैं और दिखाते हैं हमारी वीडियो बनी कैसी है। ओके सो गाइस यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। और मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी इफेक्ट लगाए हैं, अगर मैं वो सारा इफेक्ट इसमें अगर बताता तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता और वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बट गाइस मैंने इफेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा दे दिया है, आप चाहे तो लगा सकते हैं वो इफेक्ट को भी, सेम प्रोसेस है। ओके तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपको अगर ये वाला इफेक्ट लगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, जब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।